नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बिहार के और भाजपा के पहले के एक बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि आपको बता दें कि अभी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के टिकट से आसनसोल से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि आसनसोल सीट पर उपचुनाव होना है और 12 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। तो आपको बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है, जिनकी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से हुई और काफ़ी लंबे समय तक राज्यसभा के मेंबर रहे, लोकसभा में भी चुने गए, और आपको बताएं कि ये वाजपेयी गवर्नमेंट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ शिपिंग जो है उसके भी मंत्री थे। और बताएं आपको कि 2009 से लेकर 2014 तक पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन बीजेपी की नई सरकार, कहे तो मोदी सरकार, में अहमियत न मिलने के कारण काफ़ी नाराज चल रहे थे। और आपको बताएं कि 2014 से लेकर 2019 के दौरान इनकी जो गतिविधियां रहीं वो पार्टी के काफ़ी खिलाफ रही, मोदी का इन्होंने खुले मन से काफ़ी विरोध किया, हालांकि पार्टी ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और आपको बताया कि 2019 में इनका टिकट कट गया और कांग्रेस के टिकट पर ये उम्मीदवार बने, लेकिन नहीं जीत पाए, संसद नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी का हाथ थाम के ये पहुंचने की कोशिश में है लोकसभा में। आपको बता दें कि आसनसोल की सीट पर उपचुनाव होने वाला है, बाबुल सुप्रियो की ये सीट हुआ करती थी, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जब चुनाव हुआ था बंगाल में विधानसभा का, उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी और ये सीट खाली चल रहा था। और आपको बता दें कि इसी सीट पर चुनाव होने वाला है और अब शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फिर से कांग्रेस को छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, एक तरह से कहें तो डूबता हुआ जहाज बनते जा रहा है और सभी लोग कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। इसके कारण भी हैं, लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले 10 मार्च को 5 राज्यों के रिजल्ट आए, कांग्रेस ने पंजाब से तो हाथ धो ही लिया, इसके अलावा आपको बताएं कि उत्तराखंड में भी संभावनाएं बनती थी कि वहां उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो हैं हरीश रावत वही चुनाव हार गए और पार्टी भी हार गई। इसके अलावा मणिपुर में, गोवा में भी प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने चुनाव का कमान अपने हाथों में संभाल रखा था, लेकिन इसके बावजूद सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी, बल्कि 2017 के मुकाबले सीटें आधी से भी कम रह गई और मात्र 2 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हो पाए। तो ये सब भी कारण हो सकते हैं और कांग्रेस में रहते हुए लोकसभा जाने का जो रास्ता जो है शत्रुघ्न सिन्हा के लिए मुश्किल नज़र आ रहा था। और आपको बताएं कि आज से पहले भी 2019 में भी ये चर्चाएं हुई थी कि आसनसोल या पश्चिम बंगाल के किसी लोकसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन ऐसा उस समय नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस के टिकट पर पाटलिपुत्रा विधान लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और हार हुई। रविशंकर प्रसाद यहाँ से जीते थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे। आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ी खबर है, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो ममता बनर्जी का हाथ थाम चुके हैं और आसनसोल से होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, 12 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।